हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सिक्स। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर बुक, चैप्टर वन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट नोइंग आवर नंबर्स। इन दैट क्लास वी रीड अबाउट नेचुरल नंबर्स, न्यूमेरल्स, हाउ ईच कंट्री describe or uses his numerals to represent on a number line, comparing and ordering of numbers, and what is successors and predecessors. All right, today we will perform exercise 1A in our notebook. Aaj hum start karenge exercise 1A अपनी नोटबुक में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A। हर क्वेश्चन से मैं आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, रिमेनिंग पार्ट्स उस क्वेश्चन के आपको खुद से करने हैं अपनी नोटबुक में। फर्स्ट का ए पार्ट मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। नीचे जो भी नंबर दिए हुए हैं इन सब का सक्सेसर लिख रहा है, लिखना है हमें। सक्सेसर मैंने आपको बताया था, सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर वो होता है अगर हम जो हमें गिवन डिजिट्स दी गई है उसमें हम अगर प्लस वन कर देते हैं तो जो रिजल्ट आउटपुट हमें मिलता है वो उस पर्टिकुलर डिजिट का सक्सेसर डिजिट होती है। ऑलराइट, हमें कैसे परफॉर्म करना है ये अपनी नोटबुक में, सेम इसी पैटर्न में आपको परफॉर्म करना है। फर्स्ट लिखेंगे 65908, इसमें अगर हम प्लस वन करेंगे आंसर आएगा 8190956, ये हमारा सक्सेसर हुआ। ऑलराइट, सेम ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। ऑलराइट, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन वन। अब हम क्वेश्चन टू लिखते हैं। क्वेश्चन टू में क्या पूछा है हमसे, राइट द प्रीडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडेसेसर में मैंने आपको बताया था, प्रीडेसेसर में क्या होता है, हमें वन माइनस करना होता है जो हमें गिवन डिजिट दी होती है, और जो उस पर्टिकुलर डिजिट का आउटपुट होता है वो हमारे पास प्रीडेसेसर डिजिट होती है। ऑलराइट, इसमें फर्स्ट है 8900 माइनस वन, जीरो में से वन माइनस नहीं होता, वन कैरी इधर करेंगे, वन टेन में से वन गया, नाइन नाइन में से कुछ नहीं गया, नाइन यहाँ से वन कैरी हमने इधर लिया था तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एट, राइट, ये हमारा प्रीडेसेसर हो गया। इसमें हमें एक चीज़ और लिखनी है, जब हम अपना आंसर लिखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे द SUCCE सक्सेसर ऑफ 65908 is 65909, right? Same ऐसे यहां पे लिखेंगे द प्री डेसेसर ऑफ 8900 इज 8899, ये हमें अपनी आंसर में लिखना है। राइट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है हमारे पास, विच इज ग्रेटर 8485 एंड 8486। हम रीड आउट करेंगे 84,856 बड़ा है तो हमें ऐसे ग्रेटर देन सिंबल उसकी तरफ मुंह ओपन करेंगे 84856, राइट। सेकंड भी हम ऐसे ही सेम करेंगे। थर्ड में हमें कंपेयर करना है डिजिट्स को,
सेम ये भी है हमारी, कंपेयर करके लिखना है कौन सी डिजिट्स बड़ी है, किससे बड़ी है। यह रीड करेंगे 90,504 90,405, ये डिजिट हमारी बड़ी है, राइट। सेम ऐसे ये हम अपने नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ही हमारे पास नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इनमें, इन 6 डिजिट्स में से जो भी हमारी सबसे छोटी डिजिट होगी सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट, और लास्ट में लिखेंगे जो हमारी सबसे बड़ी डिजिट होगी। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, राइट स्टूडेंट। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव डिजिट्स दी हुई हैं। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है जो हमारे पास इन गिवन डिजिट्स में से, पांचों डिजिट्स में से सबसे बड़ी डिजिट होगी वो सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटी डिजिट उसके बाद लिखेंगे, उससे छोटी डिजिट उसके बाद लिखेंगे, और जो हमारी सबसे छोटी डिजिट होगी वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। इट्स ऑल क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग। असेंडिंग में होता है हमें छोटे से बड़े की डिजिट की तरफ को लिखना, और डिसेंडिंग में क्या होता है बड़े डिजिट से छोटी डिजिट की ओर लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 2, 0 and 6, यू मे रिपीट एनी डिजिट ट्वाइस। मीन्स हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, 2, 0 और 6, इसमें हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर प्रिपेयर करना है, जिसमें हम अपनी डिजिट्स को, जो गिवन डिजिट्स हैं इसमें किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी डिजिट बनाने के लिए हमें जो इन तीनों डिजिट में, 3 वैल्यूज़ में सबसे बड़ी डिजिट होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे 6, उसके बाद इससे छोटी डिजिट 2, उसके बाद उससे छोटी डिजिट 0। हमारे पास 3 नंबर्स थे, तीनों को हमने यूज़ कर लिया, बट अभी हमारी 4 डिजिट कंप्लीट नहीं हुई है। क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ है कि हम कोई भी एक डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। हमने एक बार रिपीट किया 0 को, 6200, ये हमारा आंसर हो गया, बट हम इससे बड़ी डिजिट भी बना सकते हैं, 6 2 2 को हम दोबारा रिपीट करेंगे, 2 0, ये भी बना सकते हैं, ये इससे बड़ी हुई, राइट। हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि हम एक डिजिट को दो बार रिपीट कर सकते हैं, 6 6 2 0, तो हमारी जो सबसे बड़ी डिजिट होगी 4 डिजिट नंबर वो ये होगी 6620, इन तीनों डिजिट का यूज़ करके, जिसमें हम कोई भी एक डिजिट 2 बार रिपीट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, पहले में क्या था कि हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना था इन तीनों डिजिट का यूज करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हम 4 डिजिट की कितनी संख्या बना सकते हैं इस नंबर को, इन नंबर्स को यूज करके विदाउट रिपीटिंग, इसमें हमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो ये आपको खुद से करना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट को तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।